क्या बोलो सर, तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार आज के इस वीडियो में हम जाएंगे ज्यारत, ज्यारत मतलब ज्यारत रेजिडेंसी। यहाँ पे हमारे प्यारे लीडर ख़ाद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हात बिताए थे। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे ज्यारत रेजिडेंसी। तो चलिए चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। कोयटा से जा रहे हो ज्यारत तो तकरीबन आपको 3 घंटे का सफर करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप सुबह सवेरे निकले, क्योंकि अगर आपको रेजिडेंसी के अंदर जाना है तो आप जल्दी निकले, क्योंकि जो रेजिडेंसी है उसका गेट 2 बजे बंद कर देते हैं। और फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद हम लोग ज़ियारत रेजिडेंसी के गेट पर पहुंच गए। ज़ियारत में पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग गए रेजिडेंसी के अंदर। अब रेजिडेंसी को देखने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक सुजुकी बनी हुई है जिसके अंदर वहाँ पर बेच रहे हैं कुल्फी। तो हम लोगों ने कुल्फी भी खाया। अब रेजिडेंसी को देखने के बाद हम लोग गए 0 पॉइंट की तरफ, जहाँ से पूरा शहर दिखता है। अब 0 पॉइंट की एक खास बात है कि वहाँ पर एक दरख्त बना हुआ है जो कि बिल्कुल एक कुदरती तौर पर अल्लाह लिखा हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ख्वाबों की धूप
फिर चली गई। कभी तू मौसम और कभी तू सूरज की श्वाओं की बादल से मस्ती। चेहरे मिटने लगे तो भाई अभी हम यहाँ पे आए हुए थे व्यू पॉइंट के पास और अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बारिश होने लगी और अभी हम जाएंगे वापस क्योंकि इस दिन है ना और हर तरफ अगर अभी आप देखें तो रास्ता सब गुम हो चुका है, फोग ही फोग है और अभी चलते हैं वापस। और फिर हम लोगों ने अपना लंच बनाया। अब लंच खाने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम ज़ियारत में एक नाइट स्टे करेंगे फिर सुबह हम सवेरे सवेरे घर जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ड्राइवर था उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे है थोड़ा सा काम, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ड्राइवर हम ज़ियारत में स्टे नहीं कर पाए और फिर हम वापस घर आ गए। That's it for this video. I hope you guys liked it. If you did, make sure to like, share, and subscribe. Hum milenge aapse agle video mein. Tab tak ke liye, goodbye, tata. Peace out.